वेब मनी क्या है? चलिए हम समझते हैं कि वेब मनी चलिए होता है क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेब मनी जो है, इसका अगर नेमिंग ही हम देखें तो ये दो टर्म से बना है। एक तो वेब है प्लस मनी है, यानी कि आपका जो मनी का ट्रांजेक्शन होगा ओवर इंटरनेट पे होगा, दैट इज कॉल्ड वेब मनी। यानी कि ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा सेटलमेंट है जो कि इंस्टेंट और सेफ और सिक्योर मोड में होता है। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं कि यह 1998 में रशिया में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी बहलूम की बात की जाए तो ये पूरे रशिया में सबसे बड़ी कंपनी है और शायद सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो 1998 से ऑपरेट कर रही है। इसके यूजर्स मिलियंस में हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि हम वेब मनी अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको वेब मनी का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करना होगा। डेट मीन्स कि आपको टाइप करना होगा गूगल में वेब मनी। आप यहाँ देख रहे हैं वेब मनी यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम, और इसका डिफिनेशन भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए वेब मनी जो है इसका ऐप भी है जो कि एप्पल पे भी अवेलेबल है और गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है। आप अपना ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपके पास वेब मनी अकाउंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले जो है आपको कंट्री डायलिंग कोड को चूज करना है। तो अगर आप जहाँ से वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर इसमें आपको फ़ोन नंबर डालना है अपना। और ये कैप्चा है, कैप्चा को इसमें डाल देना है। और फिर स्क्रॉल कीजिए, नीचे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक कीजिए। अब ये आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है। मेरे पास इसका SMS भी आ चुका है। ये जो सिक्योरिटी कोड होता है ये 5 डिजिट का होता है, जो मैं अभी आपको इंटर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंटर कर लिया। अब इसको स्क्रॉल करना है और फिर मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पासवर्ड क्रिएट करने का, इसलिए मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से पासवर्ड कंफर्म इंटर करो। इनका जो लीगल पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ मोर पे फिर से क्लिक करना है। अब जो है आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको चूज करना है कि कौन से अकाउंट से आप करना चाहते हैं, USDT से या रबल से। तो मैं USDT से करना चाहता हूँ, USDT यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इनका एक लीगल टर्म्स एंड कंडीशन आता है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और फिर से मोर पे क्लिक कीजिए। ये आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये जो है ये आपका वॉलेट अकाउंट है, इसी से आपकी ट्रांजैक्शन होती है। आप ये देख लें,
आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और दूसरी बात, इसमें जो है ये आपका वॉलेट आईडी है। और इसकी बात करें मनी रिसीव करने की, तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, क्रेडिट पेमेंट लिंक भी बना सकते हैं। ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ से आप क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिनको करना हो, किसके पर्स में करना हो। ये आपका पर्स नंबर था, इसी तरह से आप किसी से पर्स नंबर लेकर उसके पर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप उसके फ़ोन नंबर पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें अगर ऐड करने की बात करें तो आप यहाँ पे बैंक कार्ड ऐड कर सकते हो अपना, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पर्स है इसके अवेलेबल, जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेब मनी इंडिया। वेब मनी को कैसे बनाते हैं आपने देख लिया। चलिए ठीक है।